भारत ने बना डाला काली हथियार का भी बाप, अब दुश्मन देश के पास चाहे कोई भी मिसाइल हो, भारत कर देगा। मिनटों में साफ तेजस एम का या फिर S-75 को भी भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया है सारे हवाई योद्धाओं का बाप, आसमान में F-35 हो या स्पेस में तैरता। कोई मिलिट्री सैटेलाइट भारत की तूफानी तरंगों से विश्व का कोई हथियार बच नहीं पाएगा। DRDO ने बना लिया अपने इतिहास का सबसे पावरफुल लेजर वेपन, जिसकी पावर और रेंज देख खुद अमेरिका की आंखें फटी रह गईं। दोस्तों, आज DRDO की ताकत और उसकी तकनीक को करीब से बताने वाली वह खबर आ चुकी है। यकीन मानिए, इस खबर का इंतजार हम काफी सालों से कर रहे थे, क्योंकि यह खबर ही कुछ ऐसी है, क्योंकि यह खबर है भारत के उस लेजर हथियार की, जिसकी ताकत और रेंज ने दुनिया में पहले भी कोहराम मचाया था। आपको याद होगा, भारत का काली हथियार, जिसने ऑपरेशन व्हाइट वॉश में सियाचिन ग्लेशियर में पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था, उस वक्त वह सिर्फ एक काली A-1000 वर्जन था। उसके बाद काली 5000, काली 10000 और उसके बाद काली 2000 तक भारत ने वर्जन तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि काली एक ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही खत्म करने की ताकत रखता है। यह दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों, यहाँ तक कि स्पेस में तैरती सैटेलाइट को चुटकियों में कबाड़ बना सकता है। दोस्तों, भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो कुछ ही सेकंड के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे यह अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को ध्वस्त कर देता है। काली आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम काली हथियार की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं काली हथियार से भी ज़्यादा खूंखार हथियार के बारे में, और उस खूंखार हथियार का नाम है दुर्गा 2 लेजर वेपन, जो भारतीय इतिहास का सबसे अहम हथियार साबित होने वाला है, क्योंकि अभी तक काली हथियार ही भारत की दुश्मनों को चंद मिनटों में सुला सकता था। तो फिर समझ लीजिए कि दुर्गा 2 उससे भी ज़्यादा ताकतवर हथियार है। और आज खबर आई है इस दुर्गा 2 लेज़र वेपन की टेस्टिंग की, जिसका पिछले 5 साल से इंतज़ार किया जा रहा था कि DRDO उसका टेस्ट कब करने वाला है। तो दोस्तों, आखिरकार वह तारीख सामने आ चुकी है, इसलिए महाहथियार की टेस्टिंग से ठीक पहले हम आपको इस हथियार की ताकत और इसकी टेस्ट के बारे में अहम जानकारी पहले ही दे देते हैं, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से यह हथियार चंद सेकंड में ही चीन को तबाह कर देगा। लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिक के लगन और मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके जिस दुर्गा 2 लेजर हथियार को बनाया है, उसकी टेस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है, यानी कि बहुत ही जल्द DRDO इस घातक हथियार की टेस्टिंग करने वाला है। डेट का अनाउंस होना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जून या जुलाई महीने में इस लेजर हथियार का टेस्ट हो सकता है। लेकिन पहले हम इसकी ताकत की बात कर ले हैं कि यह कितना ताकतवर हथियार साबित हो सकता है, और यह भी जान लेते हैं कि यह हथियार किस तरह से भारत को चीन से एक झटके में आगे कर देगा। तो दोस्तों, आप ऐसा मान लीजिए कि भारत ने रूस से जो S-400 सिस्टम खरीदा है, यह उससे कहीं आगे का सिस्टम है और उससे ज़्यादा सटीक भी है। दुर्गा मतलब डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड, रेगन यानी शर्ट फॉर्म में दुर्गा, और इसका जो एक सेकंड वर्जन है यानी कि दुर्गा 2, अगर आप नहीं समझे तो आसान भाषा में समझिए, एक लेज़र हथियार है, मतलब दुश्मन पर एक ही जगह इतनी ज़्यादा एनर्जी ये फोर्स करता है कि वह पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और यह कितना डेंजरस है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी लेज़र बीम से बच पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इसकी लेज़र बीम है वह लाइट ऑफ स्पीड पर चलती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से यह दुश्मन को हिट करती है। लेकिन दोस्तों, जो हम आपको बताने वाले हैं, यह यकीन मानिए, उसे जानने के बाद आप भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। दरअसल आप समझ ही गए होंगे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह दुश्मन को हिट करने वाला दुर्गा 2 लेज़र हथियार कितना घातक और अचूक है। हालांकि आपको बता दें कि इस तरीके का डार्क एनर्जी वेपन सिर्फ भारत ही नहीं बना रहा, बल्कि अमेरिका दुनिया का पहला देश
देश है जिसने 11 एनर्जी वेपन को बनाकर टेस्ट भी कर लिया है और अपनी नौसेना में से शाम भी कर चुका है। लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा गर्व होगा कि अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके पास खुद का ऐसा लेजर हथियार होगा। इसके अलावा DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर भी काम कर रहा है जो जल्द ही सेना में सीमाएं उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है, ये 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी और पिछले दो दशक के दौरान विभिन्न रिपोर्ट में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया। मोदी सरकार के आने से पहले यह प्रोजेक्ट बिल्कुल धीमा तरीके से बढ़ रहा था। इस प्रोजेक्ट ने असल रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी जब DRDO ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया। इसके बाद प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक ने ऐसा तूफान ला दिया कि अब DRDO इसमें अप्रत्याशित रूप से इजाफा करके 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि DRDO ऐसा कर भी चुका है। दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि अमेरिका ने जो डार्क एनर्जी वेपन तैयार किया है जिसे शील्ड कहा जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ नौसेना के लिए है। मतलब आप उसे सिर्फ नौसेना के शिप पर लगाकर ही दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन भारत का जो दुर्गा 2 होगा, वैसे तो वह 100 किलोवाट का होगा और अच्छी खासी उसकी पावर होगी, लेकिन वह इतना कम्पैक्ट होगा, साइज में इतना छोटा होगा कि वह भारतीय नौसेना के शिप पर भी लगाया जा सकता है और उसका एक वेरिएंट भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए भी बनाया जाएगा। और दोस्तों, एक तीसरा वेरिएंट भी होगा जो भारतीय थल सेना के लिए होगा, यानी कि लैंड अटैक वर्जन। यानी कि अगर आप देखें तो आने वाले साल के अंदर भारत जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगहों पर लेजर हथियार से लैस हो जाएगा, जबकि अमेरिका सिर्फ नौसेना के लिए ऐसा हथियार इस्तेमाल करता है। यानी कि इस मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि क्या भारत और अमेरिका के अलावा कोई और देश इस तरीके के हथियार बनाने में लगा है। तो देखिए, वैसे तो दर्जन भर से ज्यादा देश ऐसे हैं, लेकिन ये रियलिस्टिकली देखें तो कुछ चुनिंदा देश ही इसमें आते हैं, जैसे कि इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और इसके अलावा रूस। हालांकि जर्मनी भी कहता है कि वह भी इस तरीके के हथियार बना रहा है, लेकिन उसका प्रोग्राम अभी बहुत ज्यादा पीछे है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये 3-4 देश हैं जिनका डायरेक्ट एनर्जी वेपन 2025 से पहले बनकर तैयार भी हो जाएगा। हालांकि आपको यह भी बताएं कि इनमें से एक देश ऐसा है जो भारत से पहले भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार कर सकता है, बल्कि काफी हद तक यह तैयार भी कर चुका है, और उस देश का नाम है इजराइल। इसका कारण यह है कि अमेरिका इनकी काफी मदद कर रहा है लेजर हथियार बनाने में, क्योंकि इजराइल के ऊपर पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा हमले किए गए हैं, खास करके रॉकेट से। ऐसे में इजराइल की सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका पैसों से भी और टेक्नोलॉजी से भी उसकी मदद कर रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि भारत और इजराइल में से पहले लेजर हथियार बनाकर अपनी सेना में कौन शामिल करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।